अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया, जबकि फास्ट बॉलर वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और जारहा मजाज बल्लेबाज आसिफ अली को भी मेगा इवेंट का टिकट मिल गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले, अगर आप वहाब रियाज, आसिफ अली या मोहम्मद आमिर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम वीडियो सबसे पहले देख सकें। चीफ सिलेक्टर निजामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया, जिसमें वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है। निजामुल हक के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। जुनेद खान की जगह मोहम्मद आमिर, फहीम अशरफ की जगह वहाब रियाज और यासिर शाह की जगह शदाब खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि आबिद अली की जगह आसिफ अली को मौका दिया गया है। इंजमामुल हक ने कहा कि मोहम्मद आमिर का नाम पहले ऐलान करदा टीम में नहीं था, ताहम वो सीनियर बॉलर हैं और उन्हें इंग्लैंड में खेलने का वसी तजुर्बा है। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने वहाब रियाज को टीम में शामिल करने से मुतलक सवाल पर कहा कि वहाब रियाज को इंग्लैंड में गेंद करने का बहुत तजुर्बा है, उन्हें शामिल करने का मकसद ये है कि वो रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं। इंजमामुल हक ने कहा कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की शक्ल में तजुर्बे का इजाफा हुआ है। इंजमामुल हक का कहना था कि आबिद अली को बाहर करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आसिफ अली को आबिद अली पर उनकी पावर हिटिंग की वजह से फौकियत दी गई। चीफ सिलेक्टर ने कहा कि आसिफ अली ने इंग्लैंड में अच्छी बैटिंग की और इंग्लैंड की पिचेस और कंडीशंस जो नजर आ रही हैं उसमें छठे या सातवें नंबर पर ऐसा खिलाड़ी जरूर होना चाहिए जो रन कर सके। इंजमामुल हक ने कहा कि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, आबिद अली और फहीम अशरफ इंग्लैंड में ही रहेंगे, जिन्हें बैकअप के तौर पर इंग्लैंड में रखा गया है। याद रहे कि दौरा इंग्लैंड से कबल पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई 15 रुकनी टीम का ऐलान किया था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर शामिल नहीं थे, ताहम उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ऐलान करदा 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया था। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का कहना था कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में सरफराज अहमद, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, हारिस सुहेल, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। वाज़े रहे कि वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान ने 24 और 26 मई को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस खेलने हैं। दोस्तों, आप भी अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।